दूसरा आयाम एम्पलीट्यूड। जब ध्वनि तरंगें वायु में गमन करती हैं, तब वायु के कण दोलायमान होते हैं, जिससे संपीड़न और विरलन क्षेत्र बनता है। परिणाम स्वरूप किसी क्षेत्र का वायु घनत्व सामान्य से अधिक होकर उच्चतम स्तर एवं निम्नतम स्तर तक घटता बढ़ता है। ध्वनि तरंग के कारण माध्यम के घनत्व में मूल स्थिति में उतार चढ़ाव का मान तरंग का आयाम कहलाता है। जितनी ऊंची या तीव्र ध्वनि हो, उतना अधिक माध्यम के घनत्व में उतार चढ़ाव होता है, अर्थात उतना अधिक तरंग का आयाम होता है। इसे अक्षर ए से निरूपित किया जाता है। चित्र क्रमांक 11 घनत्व दूरी ग्राफ में तरंग का आयाम।